चारिदिन पर मिलिला निखोज नाबालक अमृतर संधान। सुरक्षित भावे घर को फेरिला अमृत। गत काली विलंबित राति रे अमृत को सुरक्षित भावे केही गाँ दांडेराणी छाड़ी देथिबा देखिबा पाए मिलिछे। जाकुने अमृतक गाँ एवं परिवार लोकक मध्ये नाही नथिबा खुशी देखिबा पाए मिलिछे। आज सकाळ अमृत को देखिबा पाए सह सह स्थानीय बासिनाकर भिड़ देखिबा पाए मिलुछि। सेबडे अमृत केउछि एवं किभळी अवस्था थिले एने वर्तमान सुधा कोनोसी स्पष्ट सूचना मिली पारनि। सूचना अनुसार नयागढ़ जिला अड़गा थाना अधीन कुराल गाँव में ट्यूशन सारी संध्यारे घर को फेरिबा बेले अमृत को गाँ दांडर केही अपहरण करथिबा अभियोग होइथिला। जहाँ सारा अंचल में चांचल्य सृष्टि होबा सहित पुलिस एवं डॉग स्क्वाड पहुंची अधिक छानबीन करथिले। छोट पिला नुह 12 वर्ष पिला सब जानवा पिला तार बयान रेकर्ड कला अधिक अपडेट पाई शिवराम महापात्र नयगढ़ प्रतिनिधि जोड़े सारी फोन लाइन रे। शिवराम वर्तमान किछ अधिक अपडेट आसिलानी की देखंतु कमोगान नेट पर हमें कहिबा जे जो बड़ी भाग रे नयगढ़ रे जो घटना सामना को आछी छला गतकाल विलंबित रात रे जो बड़ी भाग रे हठात जो अमृत रो जो अमृत को चेतासना अवस्था रे उद्धार कर गइथिला स्थानीय पड़ोसी को घर पछपटु एवं वर्तमान सुधा घटना स्थली जो बड़ी भाग रे पुलिस एवं नयगढ़ एसपी निजे ओरगा थाना उपस्थित अच्छा एवं जो अमृत एवं अमृत बापा माँ को ये वर्तमान सुधा जो भाव में नयगढ़ ओरगा पुलिस एवं स्वतंत्र पुलिस एक टीम एवं नयगढ़ एसपी घटनास्थल में पहुंची एवं घटनास्थल में पहुंची की छानबीन आरंभ कर किसी समय पूर्व आम जो एसपी प्रतिज्ञा नौते घटने एसपी सीधा सख प्रतिज्ञा रखुते जे ये घटने ये जो भाव में जेहेतु अमृत 12 वर्षर पिला से कहीपर चिन्ह पार घटनाक्रम कौन थी तेणु अधिक पचराउचरा कला अधिक स्पष्ट हो पार अधिक स्पष्टीकरण मिल पार से घटनाक्रम कौन था कि भाव में उद्धार करमी उद्धार कर वर्तमान जहाँ सूचना रही प्राथमिक पर्यायर ताकू ये वर्तमान जो अमृत को पचराउचरा कर पचराउचरा पर नयगढ़ जिला मुख्य चिकित्सालय को अणाइव नयगढ़ जिला मुख्य चिकित्सालय तार जो भाव में ये चिकित्सा कराथमिक चिकित्सा कराथमिक चिकित्सा कराला अधिक पचरा उतरा और अधिक तदन करा ये गोटे नयगढ़ पुलिस गोटे चैलेंज सृष्टि करती जिते नयगढ़ में बारंबार पिला चोरी संगीन अभियोग सामना को आसूरी जो भाव में पुलिस खोड़ताल करवा समय जो भाव में मानने अपराधी मैंने पुलिस को खुलम खुला चैलेंज नौते चारिदिन धरी नयगढ़ पुलिस जो भाव में पचरा उतरा जारी रखी एवं नयगढ़ पुलिस जुबली एवं ड्रग स्क्वाड जिते बारंबार पचरा उतरा पर कौनसी संधान पाई नथिला एवं गतकाली विलंबित रात दुर्वृत्त माने आसी जुबली भाव में पुलिस समस्त आईन शृंखला को भेद करी पिलाटी को चेताशून्य अवस्था फिंगी दे चली जाइछन्ति किंतु पुलिस वर्तमान सुधा मध्य से दुर्वृत्त मानक टेर पा पारि नै तेणु अधिक पचरा उचरा करागला परे एवं अमृतर बयान सामना को आसला परे ताकु किभली अवस्था रे केउ अवस्था रखा जाइतिला एने जितेले बयान सामना को आसीबो एने जितेले स्पष्टीकरण आसीबो सेतेले अधिक कथा सामना को आसीबो एवं निश्चित भाव में तदंत परिचर भुक्त को जेमाने जितेबेले आसीबे तेलु ए घटना रे अधिक स्पष्टीकरण आसीबो। कमलाकांत न्याति शिवराम वर्तमान जदि देखे अमृत मेडिकल रे अछंती किना ताकु अणा जीव देखु कमलाकांत जहाँ बर्तमान सूचना रही बर्तमान जो एसपी बर्तमान पचरा उचरा जारी रखिंट आउ कि समय पर नयगढ़ जिला मुख्य चिकित्सालय को आसवे और नयगढ़ जिला मुख्य चिकित्सालय जो अमृत डाक्तरी परीक्षा करते सुस्थ अच्छा जो भी भाव में सुरक्षित भाव उद्धार कर सत्य कि जो भी भाव में प्राथमिक पर्यायर ओड़गा जो गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र परिसर प्राथमिक चिकित्सा कराला बर्तमान नयगढ़ जिला मुख्य चिकित्सालय को अणा जा बर्तमान से रास्त अच्छा नयगढ़ जिला मुख्य चिकित्सालय को अणाइव नयगढ़ जिला मुख्य चिकित्सालय डाक्तरी चिकित्सा करा पुलिस पक्षर तर जो अमृति बयान रेकर्ड बयान रेकर्ड कराला यह घटन क्यों मानक संपुक्त रही घटनाक्रम कौन थी अमृति को किभ भाव उद्धार कर अमृति को किए के अवस्था छाड़ी किए कौन नहीं
ଏବଂ ଅମ୍ରିତ ଚାରି ଦିନ ଧରି କେଉଁଠି ଥିଲା ଏ ଘଟଣା ଉପରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପରଦା ହଟିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରିବା ଅମ୍ରିତ କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଏହାର ଭିତରେ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗୁରୁତର କଥା ହେଲା ଯେ ଯାହା ହଉ ଅମ୍ରିତ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ତେବେ ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ହେଲା ଯେହେତୁ ଏହି ଘଟଣାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଅମ୍ରିତଙ୍କ ବାପା ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ବା କାଳିଆ ପାତ୍ରଙ୍କର ତାଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପାରିବାରିକ ବିବାଦ ରହିଥିଲା ଜମିଜମା ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ଭାଗବଣ୍ଟାକୁ ନେଇ ଏବଂ ଏହି ଘଟଣାକୁ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତକୁ ଆଣିଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଘଟଣାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ନୟାଗଡ଼ ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖିଥିଲା ତେବେ ନୟାଗଡ଼ ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାରେ ଅଟକ ରଖିଥିଲା ପଚରାଉଚରା ଚଳେଇଥିଲା ଏବଂ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ନୟାଗଡ଼ରେ ଓଡ଼ଗାଁ ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଶା କରି ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଆଶା କରି ପୋଲିସ ପଚରାଉଚରା କରୁଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ହଠାତ୍ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ସେହି ଯେଉଁ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅମ୍ରିତକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ଅମ୍ରିତକୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଓଡ଼ଗାଁ ପୋଲିସକୁ ଏବଂ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଖବର ଦିଆଯାଇଥିଲା ନିହାତି ଶିବରାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅମ୍ରିତଙ୍କର ବୟାନ ଉପରେ ହିଁ ସବୁ ନିର୍ଭର କରୁଛି ଏବଂ ସେ ହିଁ ପୁରା ରହସ୍ୟ ଉପରୁ ପର୍ଦା ହଟାଇ ପାରିବା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ କେଉଁଠି ରଖାଯାଇଥିଲା କେଉଁମାନେ ରଖିଥିଲେ ଏସବୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ତା ଉପରୁ ପର୍ଦା ହଟିପାରିବ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ର ରହିଥିଲା ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ନୟାଗଡ଼ରୁ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ